कह सकते हैं कि राजधानी में मासूम सुरक्षित नहीं है, चाहे वो घर में हो या फिर घर के बाहर। एक ओर दिल्ली के स्कूल में बच्चे 9 घंटे के लिए बंद हो गई, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बच्चों के किडनैपिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि दिलशाद गार्डन में हाल फिलहाल में एक बच्चे के किडनैपिंग का मामला सामने आया। 12 दिनों तक जद्दोजहद के बाद बच्चा तो मिल गया, लेकिन लोग इस वाकये को अब तक नहीं भूल पाए थे कि दिल्ली में एक और बच्चे की किडनैपिंग का मामला सामने आया। ताजा मामला दिल्ली की लोधी कॉलोनी इलाके का है। लोधी कॉलोनी के साई मंदिर के बाहर से 7 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया। दिल्ली के लोधी रोड स्थित साई मंदिर पर वीरवार को भारी संख्या में भक्त भगवान साई के दर्शन करने पहुंचे, तो वहीं 7 साल का यह मासूम बच्चा अपनी बुआ के साथ 8 फरवरी वीरवार को लोधी रोड स्थित साई मंदिर भगवान साई के दर्शन के लिए पहुंचा था। लेकिन परिवार को ये नहीं पता था कि मंदिर के बाहर से ही कुछ लोग इस मासूम बच्चे का अपहरण कर लेंगे। दरअसल 8 फरवरी की शाम को जब ये मासूम बच्चा अपनी बुआ के साथ भगवान साई के दर्शन करने के लिए मंदिर से बाहर निकला, तभी बच्चे की बुआ प्रसाद लेने के लिए लाइन में लग गई। अपनी बुआ को प्रसाद लेता देख बच्चा धीरे धीरे मंदिर से बाहर आ गया और मौका पाते ही मंदिर के बाहर मौजूद एक व्यक्ति और औरत ने बच्चे का अपहरण कर लिया और मौके से फरार हो गए। Started gathering human and technical information about the case and started with the analysis of the CCTV footage of the area. During the analysis of the CCTV footages, in one of the footage it was noticed that an unknown lady was seen carrying the victim boy in her lap. जैसे ही ये इंफॉर्मेशन ये क्लू हमें मिला, वी डेवलप द फोटोज फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज एंड स्टार्टेड मैसिव सर्च इन द नियर बाय विसिनिटीज। बच्चे की बुआ को जब 7 साल का बच्चा मंदिर में नहीं मिला, तब जाकर बच्चे की गुमशुदगी की जानकारी पुलिस को दी गई। दिल्ली पुलिस ने मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, तब जाकर बच्चा एक महिला की गोद में बैठा दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लिया और महिला की तलाश शुरू कर दी। साई मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी में महिला के साथ एक आदमी भी दिल्ली पुलिस को नजर आया। दिल्ली पुलिस ने कई टीमें बनाकर सीसीटीवी में दिख रही महिला और आदमी की तलाश शुरू कर दी। उसी दौरान हमारी थाने की आईज एंड ईयर्स स्कीम की मेंबर श्रीमती आशा ने जो फोटो में जो लेडी थी उसकी पहचान की और बताया कि उसने उसको उस इलाके में देखा है पहले भी, और साथ ही ये भी बताया कि जिस दिन वारदात को अंजाम दिया गया उस दिन उस महिला के साथ एक व्यक्ति भी था। एंड वी फर्दर स्टार्टेड डेवलपिंग ऑन दी इंफॉर्मेशन और आशा की मदद से 10 तारीख को जो मुजरिम थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि बच्चे का अपहरण करने वाला शख्स साई मंदिर के बाहर मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने साई मंदिर के बाहर से भजन सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पहले तो भजन सिंह ने किसी भी बच्चे के किडनैपिंग की बात से इनकार किया, लेकिन सख्ती से पूछने के बाद भजन सिंह ने 7 साल के मासूम बच्चे की किडनैपिंग की पूरी वारदात दिल्ली पुलिस के सामने रखी। किडनैपर भजन सिंह ने दिल्ली पुलिस को बताया कि भजन सिंह ने अपनी भाभी राधा के साथ मिलकर 7 साल के मासूम बच्चे को किडनैप किया। बट जब उससे पूछताछ थोड़ा और गहराई में करी गई तो उसने अपना जुर्म कबूला और उसने ये भी बताया कि बच्चा उसकी भाभी राधा के कब्जे में है और उन्होंने उसको झुग्गी के अंदर बंद कर रखा है। तो इसके बाद पुलिस टीम झुग्गी में पहुंची, वहां से जो विक्टिम बच्चा था उसको सुरक्षित रिहा किया गया और उनके परिवार वालों से बच्चे को मिलाया गया। महज ममता के लालच में राधा और भजन सिंह को अब जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि कहीं राधा और भजन सिंह की मंशा ममता की लालसा के अलावा बच्चे की तस्करी करना तो नहीं है। दिल्ली पुलिस अब किडनैपर राधा और भजन सिंह से पूछताछ कर रही है और उनके पिछले रिकॉर्ड की भी जाँच की जा रही है। कैमरामैन मनमोहन के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज दिल्ली।